क्या किसी ने खूब कहा है, अगर हमारी जिंदगी में कुछ भी मूल्यवान है तो वो है हमारा वर्तमान। अगर आज का वर्तमान चला गया और कल अगर हम इस वर्तमान को वापस लाने की कोशिश करें, हजारों लाखों करोड़ों रुपए से भी आज का वर्तमान आपको वापस नहीं मिल सकता। इसी के ऊपर एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनेंगे। मैं डॉक्टर कंचन गाबा, आपकी दोस्त, मोटिवेशनल स्पीकर, कोलकाता से। एक राज्य में एक राजा होता है, उसका बहुत सुंदर सा राजमहल होता है और उस राजमहल में उससे भी खूबसूरत एक बगीचा होता है और उस बगीचे में एक बहुत बड़ी अंगूर की बेल होती है। लेकिन माली बहुत परेशान होता है एक चिड़िया से। वो चिड़िया रोज अंगूर की बेल में आके बैठती है और जो मीठे मीठे अंगूर होते हैं उसको खा जाती है, गिरा जाती है, और जो खट्टे और जो अधपके होते हैं उसको भी नष्ट कर जाती है। माली इसका सुधार करने की कोशिश करता है, बहुत सोचता है चिड़िया को कैसे शिक्षा दी जाए, लेकिन माली से वो चिड़िया कंट्रोल में नहीं आती है। माली एक दिन राजा के पास जाता है और राजा को सारी कहानी सुनाता है। राजा कहते हैं, कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हारे साथ बगीचे में जाऊंगा। राजा बगीचे में एक बड़े वृक्ष के पीछे चुपके से छुप के बैठ जाते हैं और जब चिड़िया आके अंगूर के बेल में बैठती है, राजा बहुत फुर्ती से चिड़िया को पकड़ लेते हैं। चिड़िया कहती है, राजा मुझे मारने से पहले मैं तुम्हें चार ज्ञान की बातें बताना चाहती हूँ जो तुम्हें अपने प्रजा को सुखी रखने में बहुत मदद करेंगी। तो राजा को इंटरेस्ट आ जाता है, राजा बोलता है, बताओ। चिड़िया कहती है, पहली बात, अपने शत्रु को हाथ में आने के बाद कभी भी छोड़िएगा मत। राजा कहते हैं, दूसरी बात बताओ। चिड़िया कहती है, दूसरी बात है, असंभव पे कभी विश्वास मत करिएगा। राजा कहते हैं, बहुत नाटक हो गया, अब तीसरी बात बताओ। तीसरी बात ये है कि बीते कल पे कभी भी अफसोस मत जिताइएगा, कभी भी उसके ऊपर मौन होके मत बैठे रहिएगा। अब राजा कहते हैं, चल जल्दी बता अपनी चौथी बात। चिड़िया विनम्र होके कहती है, राजा जी आपने इतने टाइट से मुझे पकड़ा हुआ है, मेरी सांस बंद हो जा रही है, थोड़ा सा अगर मुझे ढील दो तो मैं आपको चौथी बात बताऊं। अब राजा उसको थोड़ी सी ढील देते हैं। बस ढील दी क्या चिड़िया उनके डाल में? चिड़िया कहती है, चौथी बात, मेरे पेट में दो हीरे के टुकड़े हैं। अब राजा ये बात सुन के बहुत मौन हो जाता है, बहुत अफसोस करने लगता है कि चिड़िया को मैंने क्यों छोड़ दिया। चिड़िया गाना गाते हुए कहती है, राजा आपने सिर्फ मेरी चार बातें सुनी, अमल नहीं की। पहली बात थी, शत्रु को हाथ के आने के बाद कभी छोड़ मत दीजिएगा, आपने मुझे छोड़ दिया। दूसरी बात, असंभव पे कभी विश्वास मत करिएगा, आपने विश्वास कर लिया कि मेरे इस छोटे से पेट में दो हीरे के टुकड़े हैं जो कि असंभव है। और तीसरी बात, बीते कल पे कभी मौन मत होइएगा, कभी अफसोस मत करिएगा, और आप बीते कल पे अफसोस कर रहे हैं।
हाँ दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें भी बहुत कुछ सिखा जाती है। हम बीते कल को बहुत ज्यादा लेके बैठे रहते हैं। पास्ट में मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, उसने मेरे साथ ये किया, वो किया। वर्तमान में जीना सीखिए, वर्तमान को सुंदर बनाइए। अगर आप वर्तमान को सुंदर बनाइएगा तो कल सुंदर होगा आपका। फ्यूचर में जब आप सोचेंगे तो आपका पास्ट भी सुंदर होगा। आप हमेशा ये सोचिए कि आप आज को सुंदर कैसा बना सकते हैं, आप आज की नींव कैसे तैयार कर सकते हैं कल के लिए। आज आपका सुंदर होना चाहिए। पास्ट को छोड़ दीजिए। आप जितना पास्ट को लेके बैठे रहेंगे उतना आप मौन हो जाएंगे, उतनी आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, उतना आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन एंजाइटी आ जाएगी। असंभव पर विश्वास मत करिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो अभी लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपके पास भी ऐसी परिस्थिति कभी आई जब आप सिर्फ बीते कल के लिए सोच के आपने आपका आज बिगाड़ दिया है। दोस्तों के साथ ये स्टोरी शेयर कीजिए। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे वेल, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल।